अभी मैं जस्ट नहा के आई हूँ, अभी मैं जा रही हूँ गाड़ी चलाने, जो कि मैं सीख रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ और मैं खुश हूँ। आज मैं दूसरी बार गाड़ी चलाऊंगी, बस पहले गियर पे गाइस, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस मैं गाड़ी चला के आई थी, इसके बाद मैं ऐसी बैठी हुई हूँ क्योंकि मैं थक गई भी। मैं बाहर गई थी आइसक्रीम लेने, तो आने के बाद मैं जस्ट नॉर्मल ऐसी बैठी हूँ। गाइस आज मैंने ये पहना है, ऐसी दिखेगा ये वाला टॉप मैंने लिया था जो मैं दिखा रही थी, तो मैंने लिया था। अब मैं थोड़े से गाने सुन लूँ क्योंकि मैं बोर हो रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा घूम लेती हूँ अब, और अभी इतना ही। गाइस मेरे से कोई मिलने आया है और लिटरली वो मेरे घर के नीचे खड़े हैं और मैं ही फुल शर्मा रही हूँ। मतलब भाई ऐसा लग रहा है जैसे क्या हो जाएगा, कोई मेरे को मार वार देगा, मैं नीचे चली गई। सो मैं तो ढंग ही दिख रही हूँ इतना मुझे तक नहीं, वो वाले तो गाड़ियों को ऐसे नहीं देखते गाइस। छोड़ो गाइस, देखो इधर आ जा भाई, दिख तो रहा है भाई। ये वो हैं जिन्होंने क्या कहते हैं मेरा घर ढूंढा और ये दिल्ली से आए हैं। लास्ट टाइम भी आए थे और मैं इन्हें मिली नहीं थी, तो ये आ जाए। फ़ोन दिखाना, इन्होंने मेरे को अपना फ़ोन दिखाया, इन्होंने फ़ोन में मेरी फ़ोटो लगा रखी है और बता रहे हैं कि इनके जितने भी दोस्त हैं उन्होंने भी अपने फ़ोन में मेरी फ़ोटो लगा रखी है। गाइस देखो दिख रही है, दिख तो रही है गाइज ऐसे कैसे भाई कह रहे मैं आपके लिए गिफ्ट लाया था बट वो मैं लाना भूल गया। गाइज मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं क्या बोलूँ, मैं बस बैठी हूँ आराम से। क्या मगर एक और लाया हूँ, हाय तो बोल दो। हाय क्या एक और भाई अब यार भी धंसी आ रही है मैं कुछ कह नहीं सकती। गाइज लिटरली मेरे से मिलने आया, मैंने जानती थी गाइस मेरे सब्सक्राइबर फैन, मैं इन्हें क्या बोलूं कुछ अच्छा कह रहे बोल दोगे मैं आपको दोस्तों, मैंने कहा जब हो ही नहीं तो मैं बोलूंगी नहीं ये तो बेइज्जती वाली बात हो गई गाइस चॉकलेट बट यार ये मैं ऐसे ले थोड़ी सकती हूँ भाई, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए मैं खाता नहीं गाइस पिघल गई बेचारी, कोई नहीं लो आप खा लो, मेरी तरफ से आपके लिए। मैं तो आपके लिए लाया हूं ना, मैं खुश भी हूँ पर मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। चलो कोई बात नहीं गाइस काट दो। ओह माय गॉड व्हाट जस्ट हैपेंड, मुझे नहीं पता, उनने मुझे चॉकलेट भी दे दी। मतलब भाई पहले तो मैं उनसे कुछ पूछ रही हूँ, मुझे बताओ मैं आपको बोलूँ क्या, सब्सक्राइबर बोलूँ फैन बोलूँ क्या बोलूँ मुझे खुद नहीं पता। अभी मुझे यकीन ही नहीं रहा, मैं उनसे खुद के मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यार पहली बार ऐसे कोई मिलने आया है। गाइस जब मैं नीचे मिल रही थी तो ये आया था, इससे पूछे लक्ष्य तू क्या सोच रहा था, मतलब ये वहां से साइकिल लेके गया और पता नहीं क्या ही सोचता गया था। नहीं मैं तो आई वो लेने गया था, ये कुछ खाने का लेने गया था भाई लिटरली जब मेरे को पहले फर्स्ट टाइम बताया था ना, छोड़ इतनी फालतू की बकवास नहीं करते। गाइस अभी तो खाने में कुछ बन रहा है, पता नहीं क्या बना रही है, ये अपना फोन पर बात कर रही है। मम्मी खाना नहीं बना रही हो? गाइस खाने बन रहा है गोभी आलू। आजकल मैं आप लोगों के लिए गला फाड़ फाड़ के चीख रही हूँ, मैं सुना रही हूँ ताकि आपको सुनाई दे। यस हैप्पी ईद, सबको ईद मुबारक, चांद मुबारक। मैंने सुना था एक ब्लॉग में एक लड़की ऐसे बोल रही थी, मुझे नहीं पता क्या बोलता है। सो गाइस ईद मुबारक सबको, और पहली बता दूँ ये ब्लॉग बनेगा छोटा सा क्योंकि ये ब्लॉग बस मैं ऐसे बनाती हूँ, मैंने बहुत टाइम से कुछ नहीं बनाया था और मेरे से कोई मिलने भी आया था तो मैंने कहा इससे बढ़िया क्या मौका मिलेगा ब्लॉग बनाने का, तो मैंने बना लिया। अभी उसमें दिखा दूंगी नॉर्मली मैं क्या करती हूँ क्या नहीं। हाँ देखो आज ही मम्मी ने हॉट डॉग बनाया है, मतलब ये नहीं इसमें लाइक वो नहीं है चिकन मीट मतलब जो भी होता है उसके अंदर, इसमें मम्मी ने डाला है प्याज, शिमला मिर्च, गाजर, मेयोनीज, चीज़, मतलब जितना मुझे दिख रहा है देखो, उसके बाद मुझे नहीं पता, और ऊपर है चिली फ्लेक्स ऑरिगैनो। अब मैं खा के बताऊँ, मस्त बना है गाइस। मैंने एक ब्लॉग में बोला था ना कि इसकी आदत है मैं जो भी कहीं से आके उसमें हाथ मारना होता है तो देख लो